नियोजन नीति के विरोध में संताल बंद, कई छात्र संगठन मिलकर नियोजन नीति का कर रहे हैं विरोध, कहा मांग नहीं मानी तो तेज होगा आंदोलन। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे संताल परगना प्रमंडल में छात्रों ने बंद का आह्वान किया है। छात्र नेता इमाम सफी ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम पूरे झारखंड में बंद का आह्वान करेंगे। संताल में कई छात्र संगठन इस मांग के साथ खड़े हैं और नियोजन नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कई जगह पर छात्र रास्ते में बांस लगाकर बैठे हैं। संताल के कई इलाकों में बंद का प्रभाव है। दुमका में फूलो झानो चौक पर छात्र बंद कराने निकले और कई रास्तों को भी जाम कर दिया। छात्रों ने यह भी संकेत दिया है कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने विधानसभा का घेराव किया, अब संताल में बंद का आह्वान किया है। अगर हमारी मांग पर सरकार अब भी विचार नहीं करती है तो यह आंदोलन और भी तेज होगा। छात्रों ने मांग की है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाए जाने, खतियान के आधार पर ही नियोजन नीति बनाने, रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन में अहर्ता सिर्फ भारत के नागरिक ना लिख झारखंड का स्थानीय निवासी भी लिखा जाना चाहिए। वही 60-40 के अनुपात को अविलंब रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वही दुमका में बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़ी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की है। इधर साहिबगंज में भी नियोजन नीति को लेकर बंदी समर्थक बंदी कराने निकले हैं। मुख्य मार्ग में बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्र बांस लगाकर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और 60-40 नए चलतों का नारा लगाया जा रहा है। इधर आवश्यक सेवाओं का दुकान खुला है। संताल के छात्रों के विरोध प्रदर्शन और बंद के आह्वान के मद्देनजर प्रशासन भी मुस्तैद है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। 10 अलग अलग जगह पर दंडाधिकारी की तैनाती किए गए हैं। संताल में बंद समर्थक सड़क पर हैं और लेकिन अब तक किसी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। दुमका पाकुड़, दुमका भागलपुर, दुमका गोड्डा रोड भी इस आंदोलन से प्रभावित है। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट मिलता रहे, वो भी सबसे पहले।